आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बोधला की पूजा मार्केट में नवमी के दिन मां भगवती मंदिर में हवन यज्ञ के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कन्याओं और लांगड़ों को भोजन कराने के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। माता रानी की विदाई से भक्तों के चेहरे मायूस भी दिखे। हवन यज्ञ और आरती का ये नजारा बोधला क्षेत्र के पूजा मार्केट में स्थापित माँ भगवती के मंदिर का है। नवमी के दिन भक्तों ने माता रानी के दरबार में हवन यज्ञ कर माता रानी की आरती की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। आज नवमी के दिन पहले तो पाठ किया गया, इसके बाद जो हवन किया गया है, इसके बाद कन्या लांगरों को भोजन कराया जा रहा है और इसके बाद माँ से सभी की आशा कोरोना को भगाने की कामना कर रहे हैं। ये कोरोना जब भारत से भागे। क्या क्या आज नवरात्रि चल रहे थे, आज आखिरी दिन है नवरात्रि का और आज हवन हुआ। हवन होने के बाद मैया की आरती हुई, उसके बाद कन्या का भोजन वितरण कर रहे हैं आज उसके बाद भंडारा हमारा निरंतर चलता रहेगा। उस नॉर्मली व्रत तो रहते ही हैं, उसमें पूजा पाठ के तो पूरे दिन हो ही जाते हैं और नवमी नवरात्र में पूरे दिन पाठ ही चलता है और व्रत जैसे माहौल होता है। ये नौ देवी का त्यौहार है और ये बड़े उत्साह और मगन से मनाया जाता है। कोविड के कारण लोगों में आज फिर द्वारा से उत्साह प्रकट दिखाई दिया। हवन यज्ञ और माता रानी की आरती के बाद कन्याओं और लंगूरों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। महिला भक्तों का कहना था कि नव दिनों में रोज की दिनचर्या बदल जाती है, माता रानी की विदाई करने पर मन उदास हो जाता है। जो पूजा पाठ हुआ, आज हवन हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात माता रानी यहाँ प्रकट हो गए हैं और आज दुख भी लगता है कि आज पूजा पाठ थोड़ा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन नौ दिन तो बहुत ही अच्छा लगा था। माता रानी के साक्षात दर्शन होने की जैसे कि प्राप्ति हुई हम लोगों को और सुबह से हवन हुआ है और अब थोड़ा खाना वाना स्टार्ट होगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। खाने पीने का शेड्यूल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, लगता ही नहीं कुछ स्पेशल खाओ, ये लगता है कि माता रानी का जो प्रसाद मिलता है उसी चीज़ से थोड़ा मतलब रिलीफ मिलता है, अच्छा प्रतीत होता है उस चीज़ में। जल्दी उठते हैं लोग, पूजा पाठ में स्टार्ट एकदम सुबह से लगता है कि पूजा करनी है तो उस चीज़ से पूरा ही चेंज हो जाता है। सुबह से शाम तक माता रानी में ही ध्यान रहता है। शारदीय नवरात्रों का आज अंतिम दिन है माँ, आज तो यहाँ पे बोधला पूजा मार्केट में माँ भगवती मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हवन हुआ, नौ कन्याओं को फिर पूरे दिन भंडारा चलेगा जिसमें सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं। पूजा मार्केट में स्थापित माता रानी का मंदिर आसपास में काफी मशहूर है। दूर दराज के भक्त भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पिछले नौ दिनों से चल रहे नवरात्रि पर्व समाप्त हो गए। नौ दिनों तक पूरे देश में माता रानी की पूजा हर रोज की गई। इन नौ दिनों में चारों तरफ का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंदिरों में सुबह शाम घंटे घड़ियाल की आवाज गूंजती रहती है। नवरात्र में माता रानी की पूजा अर्चना शुरू होने के बाद सोने से लेकर खाने और अन्य कार्यों की दिनचर्या में काफी बदलाव आ जाता है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।